हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एचडीबी फाइनेंशियल्स यानी कि एचडीएफसी बैंक का एक सब्सिडरी जिसका आईपीओ आ सकता है आने वाले टाइम पे। तो देखिए एचडीएफसी फाइनेंशियल के आईपीओ क्या अपडेट यहाँ पे है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, और साथ में एचडीएफसी का ये नया आईपीओ है। ऑलरेडी एचडीएफसी ग्रुप के चार कंपनी जो है वो मार्केट में एंट्री कर चुकी है, जिसमें एचडीएफसी लाइव है, एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी खुद है और एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि रिसेंटली आईपीओ आया है। रिसेंटली इसके दो आईपीओ है पिछले एक दो ढाई साल के अंदर जो है, एचडीएफसी एएमसी और एचडीएफसी लाइव। जबरदस्त रेस्पॉन्स, और एचडीएफसी ग्रुप जो कि खासा अट्रैक्टिव ग्रुप है पूरी शेयर मार्केट में अगर आप देखोगे तो, अपने आप में बहुत बड़ा ये ग्रुप है, बहुत बड़ी मैं कहूँगा जो मार्केट में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चौंकाने वाली जो खबर निकल के आ रही है, जो अब तक की अपडेट्स थी उससे कहीं ऊपर इसकी वैल्यूएशन बढ़ती हुई दिख रही है, और इस आईपीओ का इंतज़ार क्या आप भी कर रहे हो? क्योंकि हर कोई इस आईपीओ का डेफिनेटली इंतज़ार कर रहा होगा, क्योंकि बड़ा आईपीओ, ज़बरदस्त आईपीओ ये हो सकता है 2020 का। फिलहाल जानते हैं इसके अपडेट्स जो निकल कर आ रही है उनको इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और साथ में अगर आपने अब तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है उस पर क्लिक कीजिए, डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी तो आप शेयर मार्केट में या फिर आईपीओ में इन्वेस्ट कर पाओगे जब आपके पास होगा डीमैट अकाउंट। एसडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ के 90,000 करोड़ हो चुकी है अगर अनलिस्टेड मार्केट की बात की जाए। यहाँ पे जो ये रिपोर्ट है economicstimes.com की जो रिपोर्ट है, यहाँ पे एसडीबी के शेयर अगर देखा जाए 1100 रुपये पर शेयर की जो है उसका रेट हो चुका, जो कि पिछले साल 600 से 700 रुपये के आसपास माना जा रहा था, मतलब 400 रुपये का जंप एक साल में अनलिस्टेड मार्केट में। सोचिए जब ये मार्केट में आएगा तो कितनी वैल्यूएशन इसकी जाएगी, काफ़ी ऊपर जाएगी। अभी तो अनलिस्टेड की बात हो रही है कि 600-700 रुपये से जंप होके 1100 रुपये पर शेयर की वैल्यू पहुंच गई है। 90,000 करोड़ का अनलिस्टेड मार्केट में इसकी वैल्यूएशन जा चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त। आदित्य बुरी चेयर्ड एसडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज इज ट्रेडिंग एट अ वैल्यूएशन ऑफ 90,000 करोड़, और एचडीएफसी ग्रुप बहुत ज़बरदस्त प्रीमियम सेगमेंट का इसका ग्रुप मैं कहता हूँ, पूरे ग्रुप को ही, इसके चारों के चारों शेयर बहुत ज़बरदस्त है, और ये शेयर जब मार्केट में आएगा तो धमाल मचा देगा। इन्वेस्टर हैव बॉट एसडीबी फाइनेंशियल शेयर्स ओवर द पास्ट ईयर ऑन एक्सपेक्टेशन दैट पुरी विल एक्टिवली स्टीयर द कंपनी वंस ही लीव्स द एग्जीक्यूटिव कॉर्नर रूम रोल एट एचडीएफसी बैंक, क्योंकि ये जो आदित्य पुरी जी है वो एचडीएफसी बैंक से जब यहाँ से साइड होंगे तो वो फिर एसडीबी फाइनेंशियल को लीड करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। एसडीबी का शेयर जो अनलिस्टेड कैटेगरी में देखने को, आपने देखा कि किस तरीके से उसकी प्राइस में जंप हुआ है, और ये मान के चलिए कि ये एनबीएफसी का फोर्थ मोस्ट वैल्यूएबल नॉन बैंक लेंडर जो है कंट्री में होने जा रहा है। ये देखिए डिमांड पुल मैं कहूँगा किस तरीके से, कितनी शेयर होल्डिंग एचडीएफसी बैंक की यहाँ पे है वो देखिए आप, 95.9% का स्टेक जो है वो एचडीएफसी बैंक के पास यहाँ पे है, 95.9% स्टेक, बहुत ही ज़बरदस्त। इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर आप देखोगे तो 55,425 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट, और प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखी जाए लास्ट फाइनेंशियल ईयर की तो वो 1724 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में, बहुत ही ज़बरदस्त। रिवेन्यू देखिए 8,725 करोड़ का रिवेन्यू, अगर आप ग्रोथ देखते हो ओवरऑल लोन पोर्टफोलियो में तो वो 22% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बहुत बेहतरीन मैं कहूँगा। अब ये देखिए आप, द लेटेस्ट डील आर हैपनिंग एट ₹1100 ऑन एक्सपेक्टेशन देन एनबीएफसी वुड टेक ऑन बजाज फाइनेंस। देखिए भाई, बजाज फाइनेंस से सीधे टक्कर होगी एसडीबी के शेयर्स की आने वाले टाइम पे। बजाज फाइनेंस इफ पुरी अज्यूम्स अ लार्जर रोल आफ्टर हिज रिटायरमेंट एट एचडीएफसी बैंक, तो यहाँ पे वो जो है एसडीबी फाइनेंस को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। पुरी इज ड्यू टू रिटायर, अभी इनका जो है 26 अक्टूबर यानी कि एक साल की रिटायरमेंट जो है वो बची हुई है, अब देखते हैं भाई क्या कुछ वो करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बड़ा नाम है आदित्य पुरी जी का यहाँ पे। द प्राइवेट लेंडर प्लान टू लिस्ट इट्स नॉन बैंकिंग आर्म विद इन 12 से 18 महीने में, इसको ये लिस्ट करेगा 12 से 18 महीने में ऐसा माना जा रहा है, और यहाँ तक कि ये इन्फॉर्मेशन आ जाए कि इसको फरवरी इस साल के अंदर भी लिस्ट किया जा सकता है, बहुत बढ़िया बात भाई। अब देखते हैं कहाँ कब ये लिस्टिंग होती है, कब फाइलिंग होती है, उसके ऊपर बाकी कुछ डिपेंड है कि अगले 12 से 18 महीनों की जो है टारगेट यहाँ पे दिया गया है। तो एसडीबी जब लिस्ट होगा
तो भाई आगे आने वाले टाइम पे सीधे सीधे किसको टक्कर देगा, बजाज फाइनेंस को टक्कर देगा। और बड़ा कंपनी है, बड़ा ग्रोथ है, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिस्ट हो सकता है। एसडीपी हैड 55,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको रेवेन्यू बताया 8,725 करोड़ का। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, लोन पोर्टफोलियो देखिए, सारा बहुत ही बढ़िया। तो एनबीएफसी सेक्टर में ये धमाल मचा देगा। द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स अगर आप देखा जाए तो 14% ये चार्ज करता है भाई, एनबीएफसी जो है 14% नॉर्मल। अब आप खुद सोचिए कि आरबीआई से इनको कितने पे मिलता है, 6-7, 6% 5.5-6% के आसपास, 14% चार्ज करता है। तो पूरी पूरी बम्पर कमाई इनकी है। और जिस तरीके से आप देख रहे हो इस टाइम पे सीएसबी बैंक का आईपीओ बम्पर रहा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ बम्पर रहा, आईआरसीटीसी बैंक का आईपीओ बम्पर रहा, तो हर कोई इंतजार कर रहा है। अभी एसबीआई कार्ड का आईपीओ आने वाला है, साथ में एसडीबी फाइनेंशियल का ये आईपीओ है, हर कोई इंतजार कर रहा है। साथ में जो बड़ी खबर एक और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो भी देखिए, एचडीएफसी बैंक की जो ये खबर है ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किसके साथ। ये देखिए, एचडीएफसी आम एसडीबी फाइनेंशियल टू रेज $300 मिलियन, ये भी ओवरसीज लोन भी के लिए भी फाइल कर रहा है। ओवरसीज लोन $300 मिलियन लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट के थ्रू, देखिए $300 मिलियन का। मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा इसकी मदद करने वाले हैं। और जहाँ तक है कि एचडीएफसी बैंक देखिए 31 मार्च से पहले पहले आईपीओ आ सकता है, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के शेयर जो वो निकालेगा एचडीएफसी बैंक इस फाइनेंशियल आर में, 10,000 करोड़ के आसपास का ऐसा माना जा रहा है कि इतने शेयर्स निकाल सकता है अपनी जो है यहाँ पे फाइनेंस जो है वो जो बज जो इसको अपनी फुलफिल करनी है रिक्वायरमेंट उनको। चलिए देखते हैं भाई क्या हो सकता है, कितना किस तरीके से इसका देखिए लोन पोर्टफोलियो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ा आईपीओ जो इसका इंतजार हर कोई कर रहा है। दूसरी एक बड़ी खबर यहाँ पे है, एसडीबी फाइनेंशियल्स सर्विसेज इसने अभी पार्टनरशिप करी है अशोक लेलैंड, जो कि ऑटो सेगमेंट में एक बड़ा प्लेयर है अशोक लेलैंड, उसके साथ पार्टनरशिप भी कर रखी है इसने। और इस पार्टनरशिप में एक एमओयू साइन किया गया है, जो भी कमर्शियल व्हीकल जो अशोक लेलैंड मैन्युफैक्चर करता है उसके सीधे सीधे एसडीबी एंड अशोक लेलैंड टू ऑफर कस्टमाइज फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे ऑल ओवर इंडिया। तो ये एक बड़ी डील यहाँ पे भी साइन हुई थी अशोक लेलैंड और एचडीबी के साथ। आप देख सकते हो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का ये फाइनेंशियल आर्म कहीं ज़्यादा, अगर इसकी प्रेजेंस देखी जाए, मोर देन 800 लोकेशन एंड ओवर 1425 ब्रांचेस जो है एसडीपी के है, और 1425 ब्रांचेस, मोर देन 800 लोकेशंस, पैन इंडिया की कवरेज इसकी है। तो इसीलिए अशोक लेलैंड ने यहाँ पे टाई अप किया है एसडीपी के साथ। अनुज कथोरिया जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं अशोक लेलैंड में, उन्होंने कहा कि अशोक लेलैंड इज डिलाइटेड टू पार्टनर विद एसडीपी टू ऑफर कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टू इट्स कस्टमर। देखिए यहाँ पे आपकी जीत हमारी जीत, जो लोगो है अशोक लेलैंड का, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एचडीएफसी का ये शेयर धमाल मचाएगा। काफ़ी कुछ डिटेल जो मैंने आपके साथ शेयर करी, एक नज़र मैं आपको फिलहाल एचडीएफसी बैंक की डिटेल में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये पेरेंट कंपनी है। 1264 के आसपास ये शेयर जा चुका है, लगातार जंप करता हुआ जा रहा है, 7 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आसपास जा चुका है। प्रॉफिट ग्रोथ आप देख लीजिए, 20% की सेल्स ग्रोथ 18-19% के आसपास की है, बहुत ही ज़बरदस्त। टेक्निकल लेवल पर एचडीएफसी बैंक को देखोगे तो कोई कमी नहीं है, शेयर बिल्कुल अपने पीक के आसपास जरूर ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है कि इस स्टॉक में अभी तो ये पीक पे, इस तरीके से जो भी थोड़ा सा ये गड्ढे टाइप के बनेंगे, ये थोड़ा बहुत गिरावट 10-15% की, ये आपके लिए क्या होगी, अपॉर्चुनिटी होगी। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप टाइम टू टाइम एनालाइज करते रहिए, देखते रहिए, आपको बढ़िया मौका मिलता रहेगा इन्वेस्टमेंट पर। एचडीएफसी बैंक का ये एचडीबी फाइनेंशियल्स, मुझे लगता है कि मौका छोड़ना नहीं चाहिए। इवन अगर आप ये देखोगे कि ये आईपीओ टॉप पे जाएगा, मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो लिस्टिंग डे का इंतजार जरूर करें, उस दिन आपको बढ़िया प्राइसिंग पे ये शेयर पूरा पूरा मिल सकता है। या फिर आने वाले टाइम पे कुछ जैसे गिरावट होगी तो वो करेक्शन भी आप एंट्री का मौका आपको मिल सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊँ रिसेंट टाइम पे, अभी तो ये तो एचडीएफसी बैंक का, जो एचडीएफसी का एएमसी आप देखिए, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये चार कंपनी जो देखिए, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, लाइफ, एचडीएफसी का खुद का शेयर, आप देखिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी को हम देखते हैं कि किस तरीके से शेयर में
लिस्टिंग के बाद थोड़ी सी करेक्शन आया था, और करेक्शन के बाद आप देख, लिस्टिंग के बाद थोड़ा करेक्शन नहीं कहूँगा मैं, 1800 के लेवल से 1200-1250 के लेवल पे शेयर आ गया था, और उसके बाद शेयर ने जो जंप दिया वो आप देख सकते हो। ये एचडीएफसी एएमसी है, ये देखिए जो रिसेंटली लिस्ट हुआ है एचडीएफसी ग्रुप का शेयर। तो एचडीबी फाइनेंशियल के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, कैसा जा सकता है ये आने वाले टाइम पर शेयर, तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ, जो अपडेट मेरे पास थी उन्होंने आपके साथ शेयर कर रखी है कि एचडीएफसी फाइनेंशियल का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़बरदस्त तो मैं कहूंगा, और इंतजार आप भी कर रहे हो, सभी कर रहे हैं इसका इंतजार। तो अगर आपका जो अपडेट यहां पे आएगा आने वाले टाइम पे आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करता तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।